दोस्तों इंडियन इकोनॉमी जैसा कि आप देख सकते हैं रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी हम लोग कवर कर रहे हैं। बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है, 16th एडिशन हम लोग कवर कर रहे हैं, 24-25। इससे लेटेस्ट बुक नहीं है मार्केट में इंडियन इकोनॉमी के लिए, और बहुत अच्छी किताब है सिविल सर्विसेज एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, तो आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 3। चैप्टर 3 दोस्तों देख सकते हैं, हेडिंग है इसका इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर हम बात करें कोलोनियल पीरियड से, तो अभी तक जो हमारा विकास हुआ है इंडियन इकोनॉमी का कैसा रहा है, कैसे विकास हुआ है, उसे हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, इससे हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों अगर आप पेड कोर्स चाहते हैं, GK GS का कम्प्लीट पेड बुक कोर्स अगर आप चाहते हैं, तो आप 8076412618 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप कीजिएगा, बिकॉज मैक्सिमम टाइम मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, तो कॉल के जगह व्हाट्सअप कर लीजिए, आपको पेड कोर्स मैं दे दूँगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कहता है कि आफ्टर 1757, ये टाइम ऐसा टाइम है जब ब्रिटिश जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत में अपने आप को स्थिर बना रही थी। 1757 में एक लड़ाई हुई थी जिसे बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं, प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें बंगाल का नवाब, आखिरी नवाब सिराजुद्दौला जो है वो हार गया था, और इसी के साथ बंगाल का जो गवर्नेंस है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई थी। सो आफ्टर 1757 व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी टुक ओवर द गवर्नेंस ऑफ बंगाल, द ब्रिटिश रिलेशनशिप विथ इंडिया बिकम एक्सप्लॉयटेटिव। इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया, एज एक्सपोर्ट्स टू द ब्रिटेन एंड ओपियम एक्सपोर्ट्स टू चाइना वेयर फाइनेंस्ड आउट ऑफ द टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल। ये क्या कर रहे थे, जो भी एक्सपोर्ट कर रहे थे भारत से ब्रिटेन में, वो उसमें जो भी खर्चा आ रहा था वो बंगाल के टैक्स का जो कलेक्शन था उसी से फाइनेंस करते थे। बंगाल का जो टैक्स कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, वो बंगाल के लोगों पे खर्चा नहीं होता था। कहाँ पे खर्चा होता था, तो जो एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में, और जो ओपियम एक्सपोर्ट ये लोग करते थे चाइना को, उसको फाइनेंस करने के लिए ये लोग खर्चा करते थे, ठीक है, आउट ऑफ द टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द बंगाल। देर इज़ नॉट मच एविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांसफर ऑफ यूरोपियन टेक्नोलॉजी टू एशिया। उस समय यूरोप में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट चल रहा था, लेकिन उस एडवांसमेंट का फ़ायदा एशिया में बिल्कुल नहीं लाया गया, क्योंकि इनको तो मतलब था सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन से, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे थे भारत का। सो टू अंडरस्टैंड वाई इट इज़ यूजफुल टू स्क्रूटनाइज द एक्सपीरियंस ऑफ चाइना एंड इंडिया एज दे अकाउंटेड फॉर 3/4 ऑफ द एशियन पॉपुलेशन एंड GDP इन 1500 AD। 1500 AD की बात करें तो उस समय भारत और चाइना का पॉपुलेशन टोटल मिला दिया जाता था तो 3/4 होता था वर्ल्ड के पॉपुलेशन का, मतलब 75% पॉपुलेशन इन्हीं दो देशों में रहती थी उस समय, ठीक है, 1500 AD की बात कर रहा हूँ। और साथ में GDP भी काफ़ी लार्ज था, 3/4 जो है, 3/4 जो है GDP भी हुआ करता था। सो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, ऑफकोर्स इंट्रोडक्शन देखेंगे, और हम पॉलिसी इवोल्यूशन भी देखेंगे, फाउंडेशनल पॉलिसीज देखेंगे, सैम्पल सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा लास्ट में। इसके अलावा एग्जाम इसेंशियल्स में हम लोग इकोनॉमिक स्टैग्नेशन जो कि 1600 से लेकर 1947 के बीच तक रहा था, ट्रिकल डाउन थियरी देखेंगे, स्पिल ओवर इफेक्ट देखेंगे, और मल्टीप्लायर इफेक्ट भी हम लोग पढ़ेंगे। सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ अभी हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। तो देखिए दोस्तों, इवोल्यूशन की बात करें, इंडियन इकोनॉमी कैसे इवोल्व हुई है, इवोल्यूशन उसका कैसे हुआ है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, भारतीय इकोनॉमी एक समय अच्छी थी, 1600 ईस्वी तक भारतीय इकोनॉमी ठीक ठाक थी, बहुत ही अच्छी थी, ठीक ठाक थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, अपना पैर जमाने लगती है, और ख़ासकर 18वीं शताब्दी में जब बंगाल उंगाल का कब्जा हो जाता है, उसके बाद जो बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी राइट्स इनके पास जाती है, तो एक्सप्लॉयटेशन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। सो इंडिपेंडेंट इंडिया जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, तो हमारे पास उस समय विरासत में क्या मिला, इंडिपेंडेंट इंडिया इनहेरिटेड ए टिपिकल कोलोनियल इकोनॉमी विद द फॉलोइंग फीचर। कोलोनियल इकोनॉमी हमें मिली, उसमें फीचर क्या क्या थे,
तो कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी दे डिड नॉट प्ले ए प्रोएक्टिव रोल इन प्रमोटिंग एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री अनलाइक द वेस्टर्न इकोनॉमीज ऑफ द टाइम इंक्लूडिंग यूके इटसेल्फ। तो उस समय क्या होता था कि यूके वगैरह में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में प्रमोट किया जाता था, उस पर खर्चा होता था, किस पे? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पे। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को रूल तो कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को रूल तो कर रही थी, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर कुछ खर्चा नहीं किया, हमारे एग्रीकल्चर को ऐसे ही मरने दिया, हमारे इंडस्ट्री पे भी एक पैसे का खर्चा नहीं किया। वट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज डेवलप्ड, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए थे जैसे कि रेलवे का लाइन बिछना, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया था ताकि जितनी ज़्यादा हो सके और जितना तेज़ी से हो सके एक्सप्लॉयटेशन हो सके भारत के रिसोर्सेज का। जैसे कि रेलवे का डेवलपमेंट क्यों किया गया, ताकि जो भारत से, जो भारत के हिंटरलैंड से भारत के पोर्ट एरिया तक जो है एक्सपोर्ट के लिए सामान को लाया जा सके, इसलिए रेलवे का डेवलपमेंट किया गया था, ना कि भारतीय लोग को फ़ायदा हो इसके लिए नहीं किया गया था रेलवे का इस्टेब्लिशमेंट भारत में। तो एक्सप्लॉयटेशन के लिए मेनली जो है थोड़ा बहुत जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन के लिए किया गया था। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज बिजी साइफनिंग आउट कैपिटल, ये हमारे कैपिटल को यहाँ से चुरा रही थी, निकाल रही थी लगातार, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, जिसे दादा भाई नरोजी हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इसको हाईलाइट किया था। दिस वॉज डन फ्रॉम द इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटेन एंड फाइनेंसिंग द इंपीरियल डिफेंस सिस्टम। उस समय क्या था, इंपेरियलिज्म चल रहा था, ब्रिटेन अपने आप को फैला रहा था, वो अपना डिफेंस सिस्टम को मजबूत बना रहा था और उसके लिए खर्च चाहिए था, तो वो खर्च कहाँ से वो लेता था, तो कॉलोनियल जो कंट्रियाँ थी जिसपे वो अधीन बना के उन पर शासन करता था उन्हीं से पैसा वो यूज करता था इन सब चीज़ों पर, या फिर जो भी ब्रिटेन में डेवलपमेंट होता था वो भारत के ही पैसे से होता था। बाई इम्प्लीमेंटिंग द एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़, वो क्या क्या पॉलिसीज़ थी जो कि एक्सप्लॉयटेटिव थी, सच एज अनइक्वल एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट इक्वल नहीं था, उनका जो है एक्सचेंज रेट अपने हिसाब से रखते थे, हमारा काफ़ी कम रेट हमें मिलता था एक्सचेंज के तौर पे, एंड एक्सपोर्ट जो था प्राइमरी आइटम का करते थे, खासकर रॉ मटेरियल का, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो भारत से कॉटन ले जाते थे अपने देश में, वहाँ पे शर्ट बनाते थे, कपड़े बनाते थे, वही कपड़ा ला के भारत में मैन्युफैक्चर्ड आइटम बेच देते थे, तो एक्सपोर्ट करते थे प्राइमरी आइटम भारत से और इम्पोर्ट करते थे मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स। इससे जो है डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री थी और बिजनेस जो थी वो बिल्कुल रियूंड हो गई, बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। इसके अलावा दे ऑल्सो नेग्लेक्टेड सोशल सेक्टर, सोशल सेक्टर पे खर्च ही नहीं करते थे वो लोग, क्योंकि उनको तो पैसे को यूज करना था अपने डेवलपमेंट के लिए, ब्रिटेन के डेवलपमेंट के लिए खर्चा करना था, सोशल सेक्टर पे वो क्यों खर्चा करते। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि उस समय का डेटा देखा जाए तो मात्र लिटरेसी रेट जो था वो 17% था। इसके अलावा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ होता है, जो कि एक बंदा पैदा होने के बाद कितने साल तक जिएगा, वो भी काफ़ी कम था, मात्र 32.5 साल था। तो आप सोच सकते हो कि कितना एक्सप्लॉयटेशन उस समय होता था। इसके अलावा बात करें तो द इमर्जिंग इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास जो था दिस वॉज अनेबल टू ग्रो एक्सपैंड एज ए फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि होता क्या था इनके पास कैपिटल मिलता ही नहीं था, सारा का सारा कैपिटल जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद एक्सप्लॉयट कर देती थी, जिसे कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। वो क्या करती थी, सरकार खुद जो है अपना बहुत सारी चीज़ें बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनियां लगाती थी, इंडियन कैपिटलिस्ट को प्रमोट नहीं करती थी, एंड मेजर जो इंडस्ट्रीज थी, सर्विसेज थी, जैसे कि कोल, सीमेंट, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कॉटन, जूट, ये सब जो है डोमिनेट करती थी ब्रिटिश कंपनियां, ब्रिटिश फर्म्स, इंडियन कैपिटलिस्ट जो थे वो बिल्कुल इन सब चीज़ों में अपना पैर जमा ही नहीं पा रहे थे। चलिए यहाँ पे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक जो स्टैग्नेशन रहा भारत में ब्रिटिश पीरियड का, सन 1600 ईस्वी से लेकर 1947 तक जब भारत आज़ाद हुआ उस पीरियड के इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी दे लेफ्ट इंडिया इन अटरली ग्रिम इकोनॉमिक सिचुएशन, बहुत ही ख़राब इकोनॉमिक सिचुएशन में हमें ये छोड़ के रख दिया था कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। दे लेफ्ट इंडिया इन अटरली ग्रिम इकोनॉमिक सिचुएशन एज पर द इकोनॉमिक स्टैटिस्टिशियन जिनका नाम है एंगस मेडिशन, जो उस समय का पर कैपिटा ग्रोथ रेट था 1600 ईस्वी से लेकर 1870 तक वो जीरो था, मतलब ग्रोथ हुआ ही नहीं, जीडीपी में पर कैपिटा जो ग्रोथ होता है वो जीरो था, ग्रोथ ही नहीं हुआ। जिस लेवल पे 1600 ईस्वी में था भारत का इकोनॉमी पर कैपिटा, वो सेम 1870 तक रहा, 170 सालों में कोई ग्रोथ नहीं हुआ।
एंड विथ मिएगर इम्प्रूवमेंट हुआ 1870 से लेकर 1947 के बीच में हर साल 0.2% से ही ग्रो हुआ। ठीक है, तो ये बिल्कुल ग्रिम सिचुएशन था भारत के लिए, जबकि अगर कंपेयर करें तो यूनाइटेड किंगडम में जो ग्रोथ हो रहा था वो एटलीस्ट 1% तो हो रहा था हर साल, तो उसके कंपेयर में 0.2% बहुत कम दिखता है। फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी यानी कि 1950 के आसपास का जो पीरियड था, 1900 से लेकर 1950 तक, दिस पीरियड ऑफ वॉज ऑफ नियर स्टैग्नेशन विथ लेस देन 2% ऑफ द ग्रोथ रेट। यहाँ पे भी ग्रोथ रेट काफ़ी कम रहा, 2% के आसपास ही रहा। आज की डेट में जैसे हम कहते हैं ना कि 7% 6% का ग्रोथ रेट है, उस समय मात्र 2% का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था, जो कि काफ़ी कम आप देख सकते हो नंबर वाइज है। पर कैपिटा इनकम मतलब एक व्यक्ति की आय करेंट प्राइसेस पे जो 1885 में, ये 1985 नहीं होगा, 1885 होगा, 1885 में जो है ये था थोड़ा ज़्यादा था, 39.50 था ये एक व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम, एक साल में इतना कमाता था 39.50, 1885 की बात कर रहा हूँ। वो कम हो गया, वो 1899 आते आते ये मात्र 18 रुपये पे आ गया, मतलब कि नियरली जो है कह सकते हैं मोर देन आधा, आधा से भी कम हो गया। ठीक है, तो इतना ज़्यादा जो है एब्जेक्ट पॉवर्टी को ये दर्शाता है कि ये बुरी हालत थी भारत की। ये सब कुछ जो था इकोनॉमिक जो है स्टैग्नेशन को दिखाता है, ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से ये सब कुछ हुआ था। इसके अलावा रिपीटेड फेमिन्स आए, लगातार जो है अकाल पड़ता रहा, एंड एपिडेमिक्स आते रहे सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में भी लगातार ये एपिडेमिक्स और फेमिन्स आते रहे। दिस डिस्प्ले द गवर्नमेंट्स एपेथी टुवर्ड्स मास पॉवर्टी, कि भाई गवर्नमेंट बिल्कुल जो है थोड़ा सा भी जो है सोचती नहीं थी जनता के बारे में कि भाई कैसे इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए। एज पर एम डेविस की माने एम डेविस एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ही लिंक्स द मॉनसून फेलियर्स इन इंडिया टू अल नीनो साउदर्न ओसिलेशन क्लाइमेट फ्लक्चुएशन इन द वेस्टर्न पेसिफिक, द मॉनसून फेलियर लेड टू द ड्रॉट एंड हंगर वन ईयर। तो ये मानना है एम डेविस का कि जो ये सब हो रहा था वो मॉनसून फेलियर की वजह से भी हो रहा था। साथ में जैसे मॉनसून फेलियर का ख़त्म होना हुआ, इसके बाद मलेरिया का एपिडेमिक आ गया। ठीक है, मलेरिया का एपिडेमिक आया और लगातार जो है मलेरिया की वजह से लोग और भी बर्बाद होते चले गए। ठीक है, जब रेन रीअपीयर हुआ तो मॉस्किटो अबेंडेंस में जो है पैदा होने लगे और जो वीक पॉपुलेशन था उसको शिकार बनाने लगे और काफ़ी लोग मरे थे इसमें। चलिए आगे बात करेंगे पॉलिसी इवोल्यूशन के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं पॉलिसी इवोल्यूशन की। तो देखिए, अभी तक हमने बात कर लिया था आज़ादी तक का, मतलब 1947 तक का, उसके बाद के पीरियड में कैसे पॉलिसी इवॉल्व हुई और कैसे हमारी इकोनॉमी को उस पॉलिसी ने इवॉल्व किया, उसको उसके बारे में देखते हैं। सो बाय लेट 1930s एंड अर्ली 1940s इट वाज क्लियर दैट इंडिया माइट गेट इंडिपेंडेंस वेरी सुन। ये तो क्लियर हो ही गया था, 1940s में पता चल गया था कि भारत को बहुत जल्दी आज़ादी मिलने वाली है, क्योंकि वर्ल्ड वार टू का जब कंप्लीशन हो रहा था उसी समय पता चल गया था कि भारत अब आज़ाद हो जाएगा। और ये भी पता था हमारे लीडर्स को कि भारत जब आज़ाद होगा तो उसके पास जो विरासत में मिलेगा वो एक वीक इकोनॉमी मिलेगी। सो इंडिपेंडेंट इंडिया वुड इनहेरिट अ वेरी वीक इकोनॉमी, दिस वॉज नॉट ए सीक्रेट बिकॉज सबको पता था ये। दस द प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, खासकर पॉलिटिकल लीडर में नेहरू की बात करें और भी लोगों की बात करें और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे बिफोर इंडिपेंडेंस इटसेल्फ, हैड ऑलमोस्ट रीच्ड ए कंसेंसस ऑन द नीड फॉर फंडामेंटल पॉलिसी एक्शन। अब जब फंडामेंटल पॉलिसी एक्शन की बात करते हैं तो उसमें फंडामेंटल एक्शंस ऐसे होने थे कि भाई क्या होनी चाहिए, मॉडल ऑफ इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, मार्केट इकोनॉमी होगी, क्या होगी, प्लान्ड होगी, अनप्लान्ड होगी, क्या होगी। तो ये फंडामेंटल पॉलिसी एक्शंस के बारे में पहले ही वो लोग कंसेंसस बना चुके थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे कि इकोनॉमिक प्लानिंग का होना, प्रोएक्टिव रोल जो है गवर्नमेंट का प्ले करना डेवलपमेंट में, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डिसकरेज करना, क्योंकि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही था जिसकी वजह से भारत गुलाम हुआ था।
द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एन इकोनॉमी इज टू स्टडी इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी। बिल्कुल बिल्कुल सही है, अगर किसी भी इकोनॉमी को समझना है तो उसके इकोनॉमिक पॉलिसी को देख लो, वहाँ की इकोनॉमी समझ में आ जाएगी आपको। फॉर द ईज एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट वी कैन क्लासीफाई इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसीज इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। एक तो है नंबर वन फाउंडेशनल पॉलिसीज, जैसे कि मिक्सड इकोनॉमी का होना, प्लान्ड इकोनॉमी का होना, ये फाउंडेशन है, इसमें चेंज नहीं होता, ये आज भी वही है। आज भी हम मिक्सड इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, आज भी हम प्लान्ड इकोनॉमी ही हैं, हालांकि थोड़ा सा नीति आयोग के आने के बाद डायमेंशन या फिर कह सकते हैं कि उसका अप्रोच चेंज हो गया है। इसके अलावा जो सेकेंड नंबर की जो कैटेगरी है ब्रॉड कैटेगरी में, वो है नॉन फाउंडेशनल पॉलिसीज, जो कि खासकर 1948 के बाद जो भी पॉलिसीज आई हैं इकोनॉमिक या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, उसमें ये वो सारी नॉन फाउंडेशनल पॉलिसीज हैं। सो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फाउंडेशनल पॉलिसीज विच इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस चैप्टर, इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द इंडियन इकोनॉमी ऑफ टुडे। जब तक आप फाउंडेशनल पॉलिसी को नहीं समझोगे, करेंट इकोनॉमी को आप नहीं समझ पाओगे। एज वी से की टू द प्रेजेंट इज फाउंड इन पास्ट। द नॉन फाउंडेशनल पॉलिसीज की अगर बात करें तो वो ऐसी फाउंडेशनल नॉन फाउंडेशनल पॉलिसीज हैं जो कि 1948 से लेकर 1991 के बीच में आई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी तमाम उसमें, ठीक है, और उसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 में, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 में, बट फाउंडेशनल पॉलिसीज को हम इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाउंडेशनल पॉलिसीज के बारे में। फाउंडेशनल पॉलिसीज़ का मतलब होता है बेसिक पॉलिसी, फाउंडेशन का मतलब ही होता है आधारभूत पॉलिसीज। सो दीज इकोनॉमिक पॉलिसीज आर कंसीडर्ड फाउंडेशनल फॉर टू मेन रीजन, दो मेन कारण है क्यों इसको फाउंडेशनल पॉलिसीज कहा गया है। फर्स्ट जो कारण है, बिकॉज दे लेड डाउन द वेरी फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ऑफकोर्स इसी के वजह से जो है मेन फाउंडेशन स्टोन पड़ा है इंडियन इकोनॉमी का। एंड सेकेंडली दे ईदर डिड नॉट चेंज और चेंज्ड ए लिटिल टू डू टू डेट, ठीक है, बहुत कम चेंज हुआ है इसमें, या फिर चेंज भी हुआ तो बहुत ही जो है कम हुआ है, या फिर नहीं ही हुआ है कह सकते हैं, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी आज भी हम फॉलो करते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी आज भी फॉलो करते हैं, थोड़ा बहुत उसमें चेंज आया है। दिस कंसिस्ट ऑफ द फोर वेल थॉट आउट पॉलिसी डायमेंशन और पॉलिसी डिसीजन। नंबर वन, चार में से नंबर वन है मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत की जो फाउंडेशनल पॉलिसी है इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो उसमें पहला जो टोटल चार है उसमें से पहला है मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के गुड ट्रेड्स को यहाँ पे लिया गया है, साथ में जो सोशलिस्टिक जो इकोनॉमी है उसके भी गुड ट्रेड्स को यहाँ पे लिया गया, दोनों को मिला के मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई गई है। सो हाउएवर द फाइनल वर्डिक्ट ऑन द मोस्ट सुटेबल इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम द UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल के तौर पर वर्ल्ड बैंक उसकी बॉडी है, केम ओनली इन 1919, ठीक है UNO ने या फिर वर्ल्ड बैंक ने इसे एक्सेप्ट किया कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमी सबको फॉलो करनी चाहिए, ये 1999 में किया, लेकिन इंडियन लीडरशिप जो था इसको बहुत पहले 1938 में ही समझ लिया था कि भारत को चाहिए वो मिक्स्ड इकोनॉमी चाहिए। सो इंडियन लीडरशिप हैड डिसाइडेड टू गो फॉर इट मच इन एडवांस। द ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेलीगेट्स फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर्स ऑफ प्रोविंशियल स्टेट्स 1938 में ही मिल बैठ के इन्होंने समझ लिया था कि भारत के लिए सबसे सुटेबल जो होगी वो मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। दिस डिसीजन वॉज शेप्ड बाई ग्लोबल एक्सपीरियंसेस। क्यों इन्होंने ये डिसाइड किया कि मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, इसके पीछे ग्लोबल कारण था, क्योंकि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था और पूरा यूरोपियन वर्ल्ड जो है हिल गया था इससे, ठीक है, तो उसमें कैपिटलिस्टिक जो इकोनॉमी के फीचर है फेल होते दिखे थे, कैपिटलिज्म फेल हुआ था, इसी वजह से मिक्स्ड इकोनॉमी को लाना जरूरी था। एंड द नीड ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन वॉज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वार रेवेज्ड यूरोप, क्योंकि जो वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद जो दिक्कतें आई थी तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यूरोप में ज़रूरी था और हुआ भी, इसको भी भारतीयों ने देखा था और समझा था कि भाई इसीलिए जो है मिक्स्ड इकोनॉमी सही रहेगी। एंड द प्रेफरेंस फॉर डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम विच कैन नॉट गो विद द चॉइस ऑफ स्टेट इकोनॉमी। अब डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वहाँ पर डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पर अगर स्टेट इकोनॉमी लाओगे मतलब कि सरकार एकदम रूढ़ हो जाए कि जनता को जो है जो बोले वही करे, तो वो पॉसिबल नहीं था,
तो इस वजह से भी जो है हमने चुना क्या, हमने चुना मिक्स्ड इकोनॉमी। अब आता है प्लान्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी भी थी हमारी, उसके अलावा जो है प्लान्ड इकोनॉमी थी कि मतलब हमने प्लानिंग करी, 5-5 साल के प्लान लेके आए हम प्लानिंग कमीशन के थ्रू। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हमारा फीचर है हमारे इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी में। इट वॉज़ इन 1938 व्हेन द लीडर्स डिसाइडेड टू फॉलो द प्लान्ड डेवलपमेंट, कि भाई हम पहले प्लान करेंगे कि 5 सालों में हमें क्या करना है, क्या डेवलपमेंट चाहिए। वो उस तरीके के जो डेवलपमेंट होगा वो प्लान डेवलपमेंट होगा। ये दो मेनली कारण से इसे लाया गया। हाई रीजनल डिस्पेरिटी थी, कोई स्टेट बहुत अमीर मतलब थोड़ा ठीक ठाक था, कोई बहुत ही गरीब था। एंड पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, रैम्पेंट थी, बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी थी, पूरी फैली हुई थी। हाउएवर प्लानिंग वॉज लॉन्च्ड बाई ओनली ए सिंगल डेमोक्रेसी। उस समय की सिंगल डेमोक्रेसी जो प्लानिंग यूज करती थी वो थी फ्रांस 1944-45 में। इंडिया जो है माना जाता है कि ये जो है जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था XUSSR के समय में, जो उन्होंने प्लानिंग अपनाई थी उसी को देखते हुए, उसके सक्सेस को देखते हुए हमने इसको अपनाया था। सो इंडिया इज बिलीव टू हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द XUSSR इन दिस केस, सिंस इट्स टॉप पॉलिटिकल लीडर्स वेयर खासकर नेहरू वगैरह वेयर इम्प्रेस्ड विद द सोशलिस्टिक थिंकिंग ऑफ डेवलपमेंट फॉर वेरियस रीजंस। एंड इंडिया रिमेन्स ए प्लान्ड इकोनॉमी इवन टूडे, अभी भी हम लोग प्लान्ड इकोनॉमी है। हालांकि हमारे अप्रोच और मेथड में काफ़ी ज़्यादा जो है पैराडिग्मेटिक जो है शिफ्ट आ चुका है। पहले हम लोग जो है वन फिट ऑल पॉलिसी लाते थे कि भाई सेंटर प्लान करता था और वही जो है स्टेट को फॉलो करना होता था, उससे काफ़ी दिक्कतें आती थी। अब जो है नीति आयोग जो है वो एक थिंक टैंक है और ये जो है कहते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक फ्रेंड का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। इसने रिप्लेस कर दिया है प्लानिंग कमीशन को जनवरी 2015 में ही। एंड द बिगेस्ट चेंज विच अकर्ड इज स्टेट्स एंड द प्राइवेट सेक्टर हैव बीन गिवन लीडिंग रोल्स दिए गए हैं इनको इन प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, पहले क्या था, सेंटर का मेन रोल था, अब स्टेट्स को और प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है कि भाई बॉटम अप अप्रोच होगा कि स्टेट्स जो है अपने और लेवल नीचे पे जाएगी, जिला पंचायत से, पंचायत से जिला के लेवल पे आएगा प्लान, जिला से फिर ब्लॉक, पहले पंचायत से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला, जिला से स्टेट तक प्लान आएगा, फिर वही प्लान जो है सेंटर को बताया जाएगा। विद द सेंटर एट द हेल्म आर्टिकुलेटिंग इट्स लॉन्ग टर्म विजन एंड टेकिंग केयर ऑफ फैसिलिटेशन, ये फैसिलिटेट करेगा कि भाई स्टेट जो है अपना प्लान जो है परस्यू करे, आगे लाए, उसमें हेल्प करेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो उसमें प्लानिंग और नीति आयोग के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। अगला आता है ट्रिकल डाउन थियरी। तो दोस्तों हमने 4 फाउंडेशनल पॉलिसी में से 2 तो देख ली। इससे पहले कि हम लोग तीसरी पॉलिसी को देखें जो कि एक फाउंडेशनल पॉलिसी है, इससे पहले हम देखेंगे ट्रिकल डाउन थियरी क्या होती है। अब देखो ट्रिकल डाउन थियरी जो है स्पेशली यूज हुआ था जब ग्रेट डिप्रेशन आया था मार्केट में 1929 के आसपास। सो दिस इज़ एन आइडिया ऑफ सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। ये सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स का एक आइडिया है अकॉर्डिंग टू विच टैक्स रिलीफ्स गिवन ऑन इनकम एंड वेल्थ फॉर कॉरपोरेशन एंड वेल्दी पीपल अल्टीमेटली ट्रिकल डाउन टू एवरीवन। इसका कहने का मतलब ये है कि जो अमीर लोग हैं या फिर जो कॉरपोरेशन है उनको अगर टैक्स रिलीफ दोगे तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे मार्केट में। अगर मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो ज़्यादा लोग इम्प्लॉयड होंगे और ओवरऑल इकोनॉमी में एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखने को मिलेगा, ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी। सो गवर्नमेंट्स हैव नॉर्मली फॉलोड सच पॉलिसीज को कंज्वाइंड विथ मार्केट डीरेगुलेशन, लेस रेगुलेशन ऑफ मार्केट, क्योंकि मार्केट का रेगुलेशन अगर ज़्यादा होगा तो ट्रिकल डाउन थियरी जो है काम नहीं करेगी, इसलिए क्योंकि कॉरपोरेशन ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे। द ट्रिकल डाउन इफेक्ट इज़ बिलीव टू अकर थ्रू द इंटर प्ले ऑफ स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट जो होता है इट इज़ यूज इन द सेंस दैट कॉरपोरेशन एंड वेल्दी पीपल अर्निंग मोर विल इन टर्न स्पेंड मोर। स्पिल ओवर इफेक्ट इसी को कहते हैं कि जब वेल्दी पीपल और कॉरपोरेशन जब ज़्यादा कमाएंगे तो वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे, विच इन टर्न विल बेनिफिट द इकोनॉमी एट लार्ज थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट, जिसे हम इन्वेस्टमेंट एंड स्पेंडिंग बेनिफिट ऑफ द होल इकोनॉमी कहते हैं। सो द US ह्यूमरिस्ट जो थे एंड सोशल कमेंटेटर, इनका नाम है विलियम रॉजर्स, जिनका पीरियड 1800
यहाँ पे 1989 नहीं होगा, 1879 से लेकर 1935 तक इनका पीरियड था। ही इज़ क्रेडिटेड विद द क्वाइनिंग ऑफ दिस टर्म दैट इज़ ट्रिकल डाउन थियरी। एंड ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स वॉज फर्स्ट ट्राइड एज रिमेडी टू ग्रेट डिप्रेशन, जो कि 1929 में आया था यूएसए में, जब पूरा जिसने पूरा यूरोपियन वर्ल्ड को हिला के रख दिया था। एंड दिस वॉज फॉलोड बाई इट्स मोस्ट आर्डेंट सपोर्टर रोनाल्ड रीगन, जो कि उस समय प्रेसिडेंट थे, और रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको सपोर्ट किया है ट्रिकल डाउन थियरी को। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट्स दैट इंक्लूड्स इंडिया, दैट इज जवाहरलाल नेहरू हैड प्रेज्ड इट इन वन ऑफ इट्स राइटिंग इन 1933, केम अंडर इट्स इन्फ्लुएंस बाई 1950s, कि ट्रिकल डाउन थियरी काम करती है। अगर आप वेल्दियर पीपल को और कॉरपोरेशन को थोड़ा सा टैक्स रिलीफ दोगे तो डेफिनेटली उनको जो है इंसेंटिव मिलेगा कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मार्केट में करें। द आइडिया हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन वेरियस काउंट्स, ठीक है, किसी भी चीज़ को यूटोपियन नहीं लिया जा सकता, इसके क्रिटिसिज्म भी है। फर्स्टली इट इज़ नॉट क्लियर एज हाउ मच ऑफ द टैक्स रिलीफ्स ऑफर्ड बाई गवर्नमेंट रीच टू हाउ मेनी पीपल एंड इन हाउ मच टाइम। कुछ क्लियर नहीं है कि टैक्स रिलीफ अगर हुआ है तो कितने लोगों को तक ये पहुँचा है और कितने टाइम में पहुँचा है। सेकेंडली द एम्पायरिकल डेटा फ्रॉम द यूएसए सो अदरवाइज दैट इज़ राइज इन इनइक्वालिटी। अब अगर जैसे टैक्स रिलीफ दे दिया कॉरपोरेशन के लिए, वेल्दी पीपल के लिए, तो वो तो अमीर होने लगेंगे लेकिन बाकी लोग वैसे के वैसे रह जाते हैं, तो जो इनकम इनइक्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है देखने को मिलती है, बढ़ जाती है। तो इस ग्राउंड पे भी इसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। बाई अर्ली 2010s द आइडिया वॉज कैंसल्ड आउट बाई IMF, दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, दोनों ने इसको जो है कैंसिल कर दिया है। अब अपने मुद्दे पे आते हैं, फिर से हम अपने तीसरे जो फाउंडेशनल जो पॉलिसीज होती हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें जो फाउंडेशनल पॉलिसी में तीसरी जो पॉलिसी है वो है इंडस्ट्री एज प्राइम मूविंग फोर्स, इंडस्ट्री एज प्राइम मूविंग फोर्स। तो जब हम आज़ाद हुए थे तो प्राइम मूविंग फोर्स की बात हो रही थी कि क्या रखना चाहिए प्राइम मूविंग फोर्स को। उस समय डिस्कशन ये चल रहा था कि कौन सा सेंट्रल सेक्टर होगा जिस पे फोकस करके हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो करेंगे, तो चुना गया इंडस्ट्री को। एग्रीकल्चर काफ़ी डिस्कशन में था क्योंकि एग्रेरियन सोसाइटी थी उस समय भारत की जब हम आज़ाद हुए थे, बट एग्रीकल्चर को उस समय सेंस ऑफ बैकवर्डनेस के नज़रिए से देखा जाता था और स्पेशली जवाहरलाल नेहरू साहब खुश नहीं थे एग्रीकल्चर को PMF बनाने के लिए, दैट इज़ प्राइम मूविंग फोर्स बनाने के लिए। प्राइम मूविंग फोर्स का मतलब है कि वो धुरी जिसके इर्द गिर्द पूरी इकनॉमी घूमेगी, वो सेक्टर जिसके इर्द गिर्द पूरी इकनॉमी इवॉल्व करेगी, वो था प्राइम मूविंग फोर्स, जिसे चुना गया इंडस्ट्री को। सो गोइंग विद द वर्ल्ड व्यू ऑफ द टाइम प्रोफेस्ड बाई यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, दैट इज़ वर्ल्ड बैंक एंड IMF, विच हैड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल फंडिंग एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट, द सेक्टर इंडस्ट्री वॉज ऑप्टेड एज प्राइम मूविंग फोर्स। PMF इसीलिए चुना गया भारतीय इकोनॉमी के द्वारा। हाउएवर इंडिया वॉज हैविंग एडवांटेज इन एग्रीकल्चर, उस समय एग्रेरियन सोसाइटी थी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, और हमारे लैंड भी फर्टाइल थे, लैंड काफ़ी फर्टाइल थे, स्किल्ड फार्मर्स थे हमारे, बट हमने जो है उसको चुना नहीं, जिसका थोड़ा बहुत घाटा हमें देखने को मिला। इट लुक्ड ए विजनरी डिसीजन ड्यू टू फॉलोइंग प्रोस्पेक्ट्स एंड रीजन्स, क्या कारण है कि भाई इंडस्ट्री को ही चुना गया एज ए प्राइम मूविंग फोर्स। उसका कारण यह है कि ये दे सकता था फास्टर एंड मोर सर्टेन ग्रोथ एग्रीकल्चर के कंपेयर में, अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री जो है फास्टर एंड मोर सर्टेन ग्रोथ दे सकता था, इस पोटेंशियल को देखते हुए इसे प्राइम मूविंग फोर्स चुना गया। इसके अलावा फास्टर पब्लिक हायर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये कर सकता था, क्योंकि कारखाने लगाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को इम्प्लॉय कर सकते हो। दिस वॉज ए टूल टू माइग्रेट लेबर फोर्स फ्रॉम द ओवरबर्डन फार्म सेक्टर टू इंडस्ट्री। ये भी सोचा जा रहा था कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग फार्म सेक्टर पे डिपेंडेंट थे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैन पावर को तो माइग्रेट करेगा इंडस्ट्री के ऊपर, तो इसलिए भी इसको लाया गया एज ए प्राइम मूविंग फोर्स। नेक्स्ट है डेवलपिंग एन इंडिजीनस और डिपेंडेबल डिफेंस सिस्टम। अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो डिफेंस सिस्टम आपका जो है इंडिपेंडेंटली नहीं बनाया जा सकता था, और ख़ासकर उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो उसके जो है उसको देखते हुए कि आगे फ्यूचर में जो है एक डिटरेंस होना चाहिए, इसके लिए डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और इसके लिए इंडस्ट्री लगानी ज़रूरी थी।
मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, देखा गया कि भाई एग्रीकल्चर जो था उस समय वो काफ़ी ट्रेडिशनल था, लोग भाई बैल से और हल से जुताई खेताई करते थे, ट्रैक्टर्स फार्म मैकेनिज्म नहीं था, मैकेनाइजेशन काफ़ी पुअर था। तो मैकेनाइजेशन कैसे होगा भाई, इंडस्ट्री लगेगी, ट्रैक्टर बनेंगे तब तो, एग्री टूल्स बनाए जाए तब तो उसके लिए भी इंडस्ट्री को चुनना ज़रूरी था। तो ये सब कारण थे कि इंडस्ट्री को जो है एज ए प्राइम मूविंग फोर्स चुना गया था। इसके अलावा बात करें तो इन पोस्ट वार ईयर्स चाइना वॉज द ओनली कंट्री विच ऑप्टेड फॉर एग्रीकल्चर एज इट्स प्राइम मूविंग फोर्स, ठीक है। भारत की तरह नहीं था चाइना, चाइना ने जब आज़ादी ली तो इसने जो बात हुई कि भाई हमारा क्या होगा प्राइम मूविंग फोर्स, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम जो है एग्रीकल्चर को ही प्राइम मूविंग फोर्स रखेंगे। और चाइना प्राइम मूविंग फोर्स रखने के बाद एग्रीकल्चर को काफ़ी एडवांस ग्रो किया, और इससे जो है वर्ल्ड में जो व्यू था कि भाई प्राइम मूविंग फोर्स अगर एग्रीकल्चर को रखोगे तो पिछड़े हो जाओगे, वो काफ़ी चेंज हुआ। सो चाइना डिड नॉट ओनली जनरेट इनफ सरप्लस फ्रॉम एग्रीकल्चर टू स्पेंड ऑन फास्टर प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट ऑल्सो ज्वाइन द टॉप 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशंस ऑफ द वर्ल्ड बाई 1988। अब इसने क्या किया ना कि एग्रीकल्चर को से जो अर्निंग आई उसको यूटिलाइज किया इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और 1988 आते आते 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशंस में इसका नाम शुमार हो गया था टुगेदर विथ इंडिया। इट इज़ बिलीव्ड दैट इन द वेक ऑफ चाइनीज एक्सपेरिमेंट विथ एग्रीकल्चर द वर्ल्ड व्यू सपोर्टेड बाई UN एजेंसी वर्ल्ड बैंक एंड IMF चेंज हो गया, चेंज अकॉर्डिंग टू विच इफ ए कंट्री ऑप्ट फॉर एग्रीकल्चर एज इट्स प्राइम मूविंग फोर्स इट इज नो लॉन्गर सीन नाउ एज ए सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस। पहले क्या होता था कि अगर कोई कंट्री एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स चुनती थी तो उसको एक साइन ऑफ बैकवर्डनेस की तरीके से देखा जाता था, बट अब ये व्यू चेंज हो गया था, चाइना ने इसको चेंज किया था, ठीक है। एंड फाइनली भारत ने भी, इट वॉज इन 2002 दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू शिफ्ट फ्रॉम इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर एज द प्राइम मूविंग फोर्स, भारत ने भी इसको शिफ्ट कर दिया है और अभी हमारा जो प्राइम मूविंग फोर्स है वो एग्रीकल्चर ही है। बट एग्रीकल्चर इज येट टू गेट द पॉलिसी अटेंशन। प्राइम मूविंग फोर्स तो हमने बना दिया 2002 में अगेन इसको, लेकिन इसमें जो पॉलिसी अटेंशन होना चाहिए वो अभी भी लैक करता है, दैट इट डिजर्व्स और नीड्स एंड इंडस्ट्री रिमेंस अमंग द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिसी अटेंशन। देर आर रीजन्स ड्यू टू विच द फार्म सेक्टर हैज़ फ्यूअर पॉलिसी एक्टिविटीज़, इसको हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, खासकर मैकेनाइजेशन, लैंड का होल्डिंग कम होना, लैंड के साइजेस फार्मर्स के पास कम होना, जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है उसकी कमी होनी, और इसके अलावा जो तमाम ऐसे दिक्कतें हैं इसमें, मॉनसून पे डिपेंडेंट होना। अगला जो पॉइंट है जो फाउंडेशनल पॉलिसी का पार्ट है वो प्रोमिनेंट रोल फॉर पब्लिक सेक्टर। हमने जब आज़ादी ली तो हमने ये डिसाइड किया कि जो फाउंडेशनल पॉलिसी होगी इकोनॉमी से रिलेटेड वो हमारा ये होगा कि पब्लिक सेक्टर का एक प्रोमिनेंट रोल दिया जाएगा। तो हमने, और ख़ासकर जवाहरलाल नेहरू ने यह भी कहा था कि जो मॉडर्न डे की जो पब्लिक सेक्टर है, जो कंपनियां हैं, महारत्न मिनी रत्न जो भी कंपनियां, वो मॉडर्न डे की टेंपल्स हैं, तो इतना इंपॉर्टेंस दिया गया था। सो प्रोमिनेंट रोल दिया गया पब्लिक सेक्टर को। द गवर्नमेंट डिसाइडेड ऑन द लीड रोल फॉर द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एम्ड एट डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, दैट इज़ पावर, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सब को लाइफ लाइन कहा गया इकोनॉमी का, क्योंकि ये बेसिक इंडस्ट्रीज है। पावर बहुत ज़रूरी है, कोई भी काम करना है तो पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, तो बेसिक इंडस्ट्री के तौर पर इनको काफ़ी ज़्यादा तुल दिया गया और इसे काफ़ी डेवलप किया गया। एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज कॉर कोर इंडस्ट्रीज सेक्टर कंसिस्ट ऑफ 6 इंडस्ट्रीज, जैसे कि आयरन एंड स्टील कोर इंडस्ट्री कहा गया इनको, सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो है कोर इंडस्ट्री कहा गया, क्योंकि कोर इसलिए क्योंकि इनके बगैर जो है ओवरऑल जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉसिबल नहीं था। इसके बाद कहता है कि दो द प्राइवेट सेक्टर वॉज गिवन हाई इंडस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे वेर नॉट कैपेबल ऑफ डेवलपिंग देम, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को दिया गया था टास्क लेकिन कि भाई चलो इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, लेकिन वो कैपेबल नहीं थे, उनके पास इतनी कैपिटल नहीं थी, और उनका जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर का जो जेस्टेशन पीरियड था वो काफ़ी बड़ा था। दीज इंडस्ट्रीज एंड मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई अगर कंपनी लगाओगे
तो उनका जेस्टेशन पीरियड काफ़ी बड़ा होता है ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, एंड लैक ऑफ कैपिटल भी इनमें देखा गया, इसलिए प्राइवेट सेक्टर जो है इस फील्ड को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया। लैक ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी, स्किल मैन पावर, मार्केट, एंटरप्रेन्योरल कैपेबिलिटी, ये सब इसकी कमियाँ थी। इट वॉज नन बट द गवर्नमेंट विच नीडेड टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस लेड टू द हैवी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। ठीक है, और इसके घाटे भी हुए, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज बहुत सारे फायदे थे, बहुत सारे घाटे भी हुए। घाटे ये हुए कि जिस कंपनी में 80,000 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 1.5 लाख से ज़्यादा लोग काम किए, तो इससे लोप साइडेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। अदर देन फुलफिलिंग द इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स ऑफ इकोनॉमी, द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज वेर ऑल्सो सपोज टू सर्व सम सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। वो क्या क्या है? ठीक है, ऐसा माना जाता है कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को इसलिए भी लाया गया ताकि कुछ सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को वो जो है सर्व कर सके। उसमें नंबर वन आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ऐसा माना गया कि पब्लिक सेक्टर कंपनियां खुलेंगी, गेल वेल सेल जैसी कंपनियां खुलेंगी तो बहुत सारा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी, बहुत सारे लोगों को जो है जॉब मिलेगा, और इसी जॉब की वजह से जो है सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो अदर ऑब्जेक्टिव था वो था इनकम जनरेशन। ऐसा माना गया कि लोग जब काम करेंगे इन कंपनियों में तो उनको पैसा मिलेगा, इनकम जनरेशन होगा, विच विल हेल्प डेवलप एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर सोशल सर्विसेज ऑफ दोज पीपल। ठीक है, वो अपने एजुकेशन पे खर्चा करेंगे, बच्चों के एजुकेशन पे खर्चा करेंगे, हेल्थ पे खर्चा करेंगे और सोशल सर्विसेज पे भी खर्चा करेंगे। फिर आता है कि प्राइवेट सेक्टर जो था उस समय का वो कैपेबल नहीं था, प्राइवेट सेक्टर टू इंडस्ट्रियलाइज द इकोनॉमी ऑन द बैक ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज मेड अवेलेबल बाई PSE। अगर PSE सपोर्ट करेगी तभी प्राइवेट सेक्टर जो है आगे आ सकता था, ये भी कारण था कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को लाया गया। लेकिन आउटकम क्या रहा? आउटकम ये रहा कि इतना मज़ा नहीं आया पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से, बाद में बहुत दिक्कतें आने लग गई और सरकार ने इसको डिसइन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। सो द एफोरसेड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सेंट्रल PSEs, दैट इज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, जो कि उस समय 241 हो चुकी थी 1991 में, कुड नॉट बी रियलाइज ड्यू टू वेरियस रीजंस। क्या क्या कारण थे जिनके कारण जो है जो एक्सपेक्टेशन था कि भाई मॉडर्न डे की टेम्पल हैं, देश को तो एकदम तरक्की के ट्रैक पर ला देंगी, बहुत अमीर बना देंगी, ये सब हुआ नहीं। ये सब इसलिए नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द गैप बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चरल डिमांड एंड सप्लाई वेंट ऑन वाइडनिंग। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड काफ़ी ज़्यादा था लेकिन सप्लाई साइड इतना मीट नहीं कर पा रही थी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, बिकॉज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ PSEs कुड नॉट बी सेटअप ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल। भारत सरकार के पास पैसा ही नहीं था कि इतने ज़्यादा PSEs को सेटअप कर सके, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड था और जो सप्लाई भारत ने किया वो कम पड़ गया। डिमांड ज़्यादा था, सप्लाई कम था। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो हुआ, दिस अकर्ड मोर देन इट वॉज रिक्वायर्ड। सरकार ने अपनी कमियाँ छुपाने के लिए जहाँ पे कंपनियों पे कम जरूरत थी वहाँ पे बहुत भर भर के एम्प्लॉयमेंट कर दिया। सो ओवर स्टाफिंग हुआ इसके वजह से, बिकमिंग ए नॉर्म बाय 1991। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे 186,000 लोग काम कर रहे थे 1991 में, लेकिन एक्चुअली नीडेड थे जस्ट 88,000, तो 100,000 के आसपास लोग ज़्यादा काम कर रहे थे। लॉसेज बिकम ए नॉर्म फॉर द मेजोरिटी ऑफ देम। मैक्सिमम जो PSEs थे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस वो लोग लॉस खाने लग गए थे, विच हिट एडिक्वेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर एस्पेक्ट, अदर सोशल सर्विसेज। ठीक है, इन कंपनियों में लॉस खाने की वजह से सरकार जहाँ पे सही जगह पे खर्चा करना चाहिए जैसे लोगों के एजुकेशन पे, हेल्थ पे, वो कर नहीं पा रही थी। वन ऑफ द लीडिंग रीजन फॉर देयर अंडर डेवलपमेंट। एंड इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर जो थे दे फेल्ड टू एक्सपेंड एंड इंडस्ट्रियलाइज द इकोनॉमी एज दे डिड नॉट गेट कंड्यूसिव पॉलिसी सपोर्ट, बिकॉज उस समय सपोर्ट पब्लिक सेक्टर को दिया गया लेकिन प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया गया, तो वो भी डेवलप नहीं कर पाए। वी आर स्टिल बिजी इनहेंसिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हाउएवर मेजोरिटी ऑफ जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं दे बिलीव दैट द PSEs, दैट इज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, प्लेड ए क्रिटिकल रोल इन द प्रमोटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ऐसा मानना है, ऐसा हुआ भी लेकिन बहुत सारी दिक्कतें भी आई। अब आता है फिर आता है पार्ट ऑफ ट्रिकल डाउन थ्योरी। ठीक है, जो ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थे, दैट इज सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, देयर लोकेशन एक्सेट्रा, हैव आल्सो बीन सीन इन लाइट ऑफ इंडियाज़ फेथ इन द पॉपुलर ट्रिकल डाउन थ्योरी, कि भाई जितना ही आप प्रमोट करोगे इंडस्ट्रीज को
टैक्स कट करोगे, वेल्दियर लोगों पे टैक्स कम लगाओगे, तो ट्रिकल डाउन थियरी होगी कि भाई पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज लगाओ, जितनी कंपनियां आएंगी उतना ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और इकोनॉमी का हालात सुधर जाएगा। देर वॉज एन अर्ज टू पुट ऑल पॉसिबल रिसोर्सेज इन देम एज फ्रॉम देम द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वेयर बिलीव टू परकोलेट डाउन टू द मासेस, जो कि हुआ नहीं। द रीज़न दे वेयर ग्लोरीफाइड बाई द गवर्नमेंट टिल द इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991 कि भाई ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, कंपनियां लगाऊं उस कंपनियां आएंगी काम करेंगी, लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो देश सुधर जाएगा, देश में तरक्की हो जाएगा, जो कि हुआ नहीं। अब क्या है फ्यूचर ऑफ पीएसईज, अब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का क्या फ्यूचर है वो देख लेते हैं। सो अब तो डिस इन्वेस्टमेंट हो ही रहा है, मैक्सिमम जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं बिक रही हैं, डिस इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है, अननेसेसरी नहीं रख रही अपने पास। सो द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस केम अंडर सीरियस क्रिटिसिज्म ड्यूरिंग द लेट 1980s अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वाशिंगटन कंसेंसस अंडर विच देयर प्राइवेटाइजेशन बिगेन अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया कमेंस्ड लिमिटेड डिस इन्वेस्टमेंट बाई 1991। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि अपना सरकार जो है स्टेक, अपना हिस्सेदारी बेचने लग गई इसमें, विथ फेज्ड प्राइवेटाइजेशन बाई 1990-2000। हाउएवर आफ्टर द इकोनॉमिक क्राइसिस जो 2008 वाला हुआ था, जिसे यूएस सब प्राइम क्राइसिस कहा जाता है, ए व्यू इमर्ज एट द ग्लोबल लेवल अगेंस्ट देयर आउट राइट प्राइवेटाइजेशन, ठीक है कि भाई इतना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटली इनकरेजिंग मोनिटाइजेशन ऑफ पीएसईज मोर देन देयर प्राइवेटाइजेशन, कि भाई इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ रादर देन किसे प्राइवेटाइज करो, अंडर द न्यू पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक एसेट्स सिंस 2006, ठीक है ये 8 में चैप्टर 8 में इसको ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। इधर कुछ छूट गया था, जैसे कि इधर देखें तो क्या क्या छूटा था एक बार देख लेते हैं। स्पिल ओवर इफेक्ट तो हमने देखा ही था। सो इट इज़ एन इफेक्ट ऑफ एन इवेंट ऑफ वन इकोनॉमी ऑन अनदर इकोनॉमी और इकोनॉमीज, एक इकोनॉमी बढ़ेगी ठीक है तो दूसरे पे उसका असर होगा। जैसे कि अगर फॉल होता है इंडिया के एक्सपोर्ट में टू यूएसए, ठीक है भारत का एक्सपोर्ट जो है यूएसए को कम होता है, इफ़ द लेटर सीज एन इकोनॉमिक स्लो डाउन, तो ठीक है यूएसए में स्लो डाउन होगा तो भारत पे इफेक्ट पड़ेगा कि भारत का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। इस तरीके के इफेक्ट को कि भाई एक इकोनॉमी की कंडीशन की वजह से दूसरी इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़े, इसे स्पिल ओवर इफेक्ट कहते हैं। अंडर इट अनकनेक्टेड इवेंट्स कैन ऑल्सो हैव सच इफेक्ट सच एज अर्थक्वेक, स्टॉक मार्केट क्रैश, पेंडेमिक एक्सेट्रा। पेंडेमिक आता है तो क्या होता है कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में जो है इकोनॉमी स्लो डाउन में चली जाती है। द टर्म इज ऑल्सो यूज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स टू मीन द इफेक्ट ऑफ वन इवेंट ऑन सम अदर इवेंट्स इन सेम इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इनकम में राइज होता है रिचर पीपल के, दैट लीव सिमिलर इफेक्ट ऑन द पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन द फॉर्मर, जो लोग रिचर पीपल पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि इम्प्लॉयज ऑफ कंपनी गेटिंग मोर बोनसेस अदर बेनिफिट्स वंस द कंपनी अर्निंग इंक्रीजेस, तो इसे स्पिल ओवर इफेक्ट कहते हैं कि भाई कंपनी ज़्यादा अर्न कर रही है तो अपने इम्प्लॉयज़ को ज़्यादा बोनस देगी, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे मल्टीप्लायर इफेक्ट, तो ये जो इफेक्ट है दिस इज एन इकोनॉमिक टर्म विच रेफर्स टू चेंज दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है इन इनकम्स ऑफ पीपल एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपेंडिचर्स इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, टैक्स ब्रेक्स, कट्स और इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्सेस और इंक्रीज इन रेट्स ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेस। तो देखो सरकार अगर टैक्सेस बढ़ाती है तो क्या होता है, लोगों का इनकम पे असर पड़ता है, उनके एक्सपेंडिचर पे असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज द इनकम ऑफ पीपल, ठीक है अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, ज़्यादा खर्च करती है तो लोगों के पास क्या होता है, उनके इनकम में ग्रोथ आता है, क्योंकि हो सकता है जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, तमाम खर्च वो होगा, सैलरी बढ़ा रही है तो लोगों का इनकम बढ़ेगा। ऑफरिंग ऑफ सब्सिडीज इन्हेंस बेनिफिशरीज पर कैपिटा इनकम, अब मान लो फार्मर है, सब्सिडी उसको मिलेगी तो क्या होगा, उसकी अर्निंग पे असर पड़ेगा, वो अगर यूरिया खरीद रहा है सब्सिडाइज रेट पे, 100 रुपये की चीज़ को 50 रुपये में खरीद के खेत में यूज़ करके ज़्यादा कमा सकता है, तो अगर सब्सिडीज बढ़ती है तो पर कैपिटा इनकम जो है फार्मर की बढ़ जाती है, ऐसे किसी की भी बढ़ सकती है जो सब्सिडी ले रहा है।
नॉर्मली यूज इन प्रोपोर्शनल सेंस, इट मे बी यूज इन नॉन प्रोपोर्शनल सेंस टू। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होता है अपना ये टॉपिक पूरा, थर्ड जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको पसंद आ रही है क्लासेस, पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में चौथे चैप्टर पे। बाय बाय।